हेलो जी, डाइट कर रहे हो और सैलेड खाना बहुत ही बोरिंग लगता है। आओ बनाते हैं ऐसा सैलेड जिससे प्यार हो जाए। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे पैन। पैन में डालेंगे 2 चम्मच घी या ऑयल, जो भी आपको मन है। उसमें डालेंगे हम पनीर। अच्छी तरह से हम इसे रोस्ट कर लेंगे। फिर उसी पैन में हम लेंगे मूंगफली, इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मुझे मूंगफली छिलके के साथ ही अच्छी लगती है। फिर हम उसी पैन में लेंगे शिमला मिर्च, येलो बेल पेपर्स एंड बेबी कॉर्न। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ज्यादा भूनना नहीं है, हमें इसे कच्चा पक्का ही रखना है। ब्रोकली को कर देंगे स्टीम करने के लिए। ब्रोकली अब हमारी स्टीम हो गई है। अब मिक्सिंग बाउल में डालेंगे हमारी ब्रोकली, ऊपर से डालेंगे सॉल्टेड वेजिटेबल्स, रोस्टेड पनीर, रोस्टेड पीनट्स एंड स्लाइस चेरी टोमेटो। अब मैंने लिया है पिसी हुई काली मिर्च, पीसा जीरा, थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चाट के ऊपर। थोड़ा सा चाट मसाला, लेमन जूस में डिप की हुई ग्रीन चिलीज, इससे बहुत ही स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर आएगा हमारी चाट में। अब इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। हाँ जी, अब ये तो रेडी है जी। अब करते हैं प्रेजेंटेशन की तैयारी। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने लिए हैं एक सिज़लर की वुडन प्लेट। इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा और 2 चम्मच ऑयल, और सिज़ल प्लेट को गर्म करने के लिए रख देंगे। उसके ऊपर डालेंगे अपना सैलेड। बस अब टाइम फॉर एक्शन शुरू। चिमटे की मदद से इसे उठाएंगे और वुडन प्लेट पे रख देंगे। वाओ, व्हाट अ स्मोकी एंड सिज़लिंग फ्लेवर सैलेड इज दिस। हो गया ना प्यार, अब बनाओ और मजे लो। थैंक यू जी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टेम्पटिंग तड़का।